वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक सुनिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजलीसा के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सुन्नी धार काउंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया, आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। मैंने आइन पर अमल दरामद का हल्फ लिया है, हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। आप सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत आलिया ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी नतीजे के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में फ्रिकीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तहार देने का हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पिशावर के जज जस्टिस शकील अहमद ने इंतखाबी नतीजे के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ्रिकीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी करते हुए कहा तमाम फ्रिकीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तहार जारी किया जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अर्शद जावेद ने 9 मई को कसूर में जलाओ घेराओ और तोड़ फोड़ के मुकदमात पर समाप्त की। मुकदमात में नामजद पीटीआई के 44 कारकुनान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में 3 सितम्बर तक तौसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी।